हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो प्रॉब्लम्स हम दिया हुआ है उसमें हमारे को 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, रूही वाला। रूही क्या कर रही है, रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है अपने होम से, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन पे ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस उसने क्या किया, बस में ट्रेवल किया। उसने 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है और बाकी जो रिमेनिंग है वो किससे जा रही है, बस से। और वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, बाकी बस से जा रही है। तो दो केसेस टाइम दिए हुए हैं, हम बताएंगे। सबसे पहले देखो क्या करोगे, आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ बस। तो यही से मैं लेट कर लेती हूं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ले लू मैं x किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल। और ऐसे ही मैं बस की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, y किलोमीटर पर आवर मैंने लेट कर लिया। अब मुझे एक सिंपल सा रिलेशन पता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस जो मेरा ट्रेन से कितना जा रही है वो 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 300 टोटल है एंड 60 जो रूही है शी इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग बाय बस उसका कितना हो जाएगा, 240। इसका मतलब वो बस से जा रही है, वेरी करेक्ट। और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड है y, और टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको लग रहे हैं 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लग रहे हैं। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, ट्रेन की स्पीड इतनी है, बस से वो इतना जा रही है, बस की स्पीड इतनी है, टोटल उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड 100 किलोमीटर शी इज गोइंग बाय ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड नीचे। और अगर टोटल 300 है तो बचे कितने 200, तो 200 वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। और उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब 4 1 बाय, यहाँ पे आप लिखो 10 बाय 60, ठीक है। उसको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 10 मिनट्स के लिए मैंने 10 बाय 60 लिया, ठीक है, क्योंकि ये आर में कन्वर्ट हो गया। एक मिनट मतलब एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में हमने डिवाइड बाय 60 कर लिया, ये आर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से ये गया, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 4 1 बाय 6 को, तो ये आएगा 24, और ये मेरा कितना बनेगा, ये मेरा बनेगा 25 बाय 6। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन में लेट करनी है, ठीक है। ये मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम अपना पूरा क्वेश्चन जो हमने लेट किया, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन। हमने ये एक क्वेश्चन पहले हमने किए हुए ऐसे इस टाइप के लेट, ये कभी भी डायरेक्टली एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हमें इन क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा। लेट 1/x को मैं a ले लूंगी एंड 1/y को मैं क्या लेट कर लूंगी, b। यहाँ पे मुझे लेट करना पड़ेगा क्योंकि 1/ में हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बनेगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और नीचे वाली इक्वेशन बनेगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाय 6। ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको दो मेथड्स टीच किए हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने टीच करना है आपको। अब क्या करेंगे हम इसमें, उसकी भी शायद वीडियो है प्रोवाइडेड, उसकी भी वीडियो दी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पे लेट करके जो हमने ज्यूम किया है, ये 100 है, ये 60 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बात बनती है, बिल्कुल बात बनती है। क्योंकि अगर मैं इसको 6 से करती हूँ तो ये मेरा 10 से करती हूँ 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40 हो गया यहाँ पे, लेट करा मल्टीप्लाई करा। और अगर मैं इसको 6 से कर रही हूँ पूरी को, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो ये होगा 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये 6 से 6 कट गया, लेकिन ये वाला 6 इधर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे ये वाला 4 इधर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब इक्वेशन में हम देख रहे हैं ये सेम बन गए, एलिमिनेशन लगाया मैंने यहाँ पे, ये मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये बना मेरा 1200b और ये मेरा बचा 15, तो b मेरा आ गया 15/1200, दैट इज b मेरा आ गया, यहाँ पे कटिंग कर लो आप 80 बजाएगा 1/80, ठीक है। अब b आ गया, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे a फाइंड कर लेती हूँ। चलो b हमने निकाल लिया,
अब किसी भी एक इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी 60a प्लस 240b है, b की जगह पुट कर दो 1/80 इज इक्वल टू 4। हम ओरिजिनल इक्वेशन ले रहे हैं, हम ये 10 वगैरह वाली नहीं ले रहे, हम एक्चुअल इक्वेशन ले रहे हैं क्वेश्चन वाली। तो 60a यहाँ पे ये गया, ये आ गया आपका 3, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। तो ये आ गया 60a इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया मेरा 1/60। अब मैंने एक्चुअल में 1/x को क्या लिया था, a, तो 1/x इज इक्वल टू a, यानी कि 1/x को 1/60 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मेरा x आ रहा है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि जो मेरी ट्रेन की स्पीड है वो मेरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आ। ऐसे ही मैंने y को क्या लिया है, 1/y को b लिया है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, यानी कि जो मेरी बस की स्पीड है वो कितनी हो गई मेरी 80 किलोमीटर पर आर। ये पार्टली वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने एनसीईआरटी 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का हमने थर्ड पार्ट किया है। ये हमारा बस की स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप क्वेरीज अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा कर दिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो इसका टाइप है फर्स्ट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस भी टीचर्स के बहुत फेवरेट रहते हैं और ये बोर्ड्स में भी आ जाते हैं अक्सर, ये बहुत फेवरेट रहते हैं सबके क्वेश्चन। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब दो चीजें होती हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो दो चीजें होती हैं। एक चीज आप हमेशा लेट करोगे स्पीड ऑफ बोट को स्टिल वाटर में, ये हमेशा आपको लेनी पड़ेगी कि जब पानी रुका हुआ है या पानी स्टिल है तो स्पीड क्या होगी बोट की, हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, ये दो चीजों के साथ ही क्वेश्चन प्ले होगा, ठीक है। दो चीजों में हम इसमें प्लेइंग करेंगे, स्टिल वाटर में बोट की क्या स्पीड है और स्ट्रीम, या मैं कहती हूँ करंट की क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या इधर से मैं क्या ले लेती हूँ करंट, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। बस अब एक चीज याद रखनी है, बोट अपस्ट्रीम जा रही है डाउनस्ट्रीम जा रही है, दो केस बनते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड में डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा आप याद रखोगे दोनों, x और y, जो आपने बोट की स्पीड ली है स्टिल वाटर में और जो आपने करंट की या स्ट्रीम की स्पीड ली है, ठीक है, वो आप एड करोगे। ये आपको बस एक चीज मेमोराइज करनी है, डाउनस्ट्रीम में हम एड करेंगे और अपस्ट्रीम में मैं यही स्पीड्स को क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम में मैं यही स्पीड्स को माइनस कर रही हूँ। बस यही कंसेप्ट आपको मेमोराइज करना है, जितने भी आपके अपस्ट्रीम के जितने भी आपके डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं वो आप सब इसी टाइप से क्या कर लोगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे उन्होंने बोला है वही दोबारा से मुझे वही क्राइटेरिया लगाना है कि डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही रिलेशन से क्वेश्चन निकाला है। अब मुझे वो कह रहे हैं कि जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है 20 और स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की x प्लस y और उसको लग रहे हैं 2 आवर्स, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ, और अपस्ट्रीम कितना आ रही है वो 4 और अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस y, उसको फिर भी 2 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में उसको सेम टाइम लग रहा है, सिर्फ दोनों जगह डिस्टेंस अलग स्पीड अलग, डिस्टेंस अलग स्पीड अलग, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, या आप एक काम करो डायरेक्ट बना लो x प्लस y इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर मैं कॉमन लूंगी ना तो कटिंग करके x प्लस y मेरा बन गया 10, और यहाँ पे भी अगर मैं ये इधर कटिंग कर दूं ये 1 ये 2 तो x माइनस y मेरा क्या हो गया 2 के इक्वल, x माइनस y मेरा क्या हो गया x माइनस y हो गया मेरा 2। अब ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब यहीं पर लेट मत कर लेना, लेट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट हम तब करते हैं जब आगे प्लस में यहाँ पे कुछ और ऐड हो रहा हो और एलसीएम में क्वेश्चन है, डायरेक्ट में हम नहीं लेट करेंगे। दो इक्वेशंस बन चुकी हैं यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है सिंपल, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा 2y आ जाएगा 8 के इक्वल और y आ जाएगा मेरा 4, और इधर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करते हैं तो x आ जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो यानी कि जो मैंने x क्या लेट किया था
जो मैंने बोट ली है उसकी स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो मेरे 6 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम लहर या जो करंट है पानी का उसकी जो स्पीड है वो मैंने क्या ले ली है, वो मैंने ले ली है आपकी 4 किलोमीटर पर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। एक इसमें और टाइप है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं अब सेकंड पार्ट। पहले हमने थर्ड पार्ट किया था सेकंड क्वेश्चन का, फिर हमने फर्स्ट करा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। अब वो कैसे करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, छोड़ ही देते हैं बच्चे, मुश्किल नहीं है। 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टूगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज एंड 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन डू इट इन 3 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन अलोन, मतलब कि मेन और वुमेन इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और इतने दिन में हो रहा है, फिर दोबारा इतने मेन और इतने वुमेन इतने दिन में कर रहे हैं, अकेले वुमेन को कितने दिन लगेंगे और अकेले मेन को क्या होगा, कितना यहाँ पे होगा हमारे पास टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे, लेट वर्क इज डन बाय वुमेन इन एक्स डेज, जो वुमेन है वो एक्स दिनों में काम कर रही है। ठीक है, एक्स डे में काम कर रही है, हमें एक्स निकालना है कितने दिन में वो काम कर रही है। एंड वर्क डन बाय वुमेन इन एक्स डेज, तो वुमेन्स वन डे वर्क कितना होगा, वुमेन्स वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, समझ आता है ये भाई। अगर वुमेन एक्स डेज में काम कर रही है तो वो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर जो मेन है वो वाई डेज में काम कर रहे हैं और जो मेन है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y काम करेंगे मेन। ठीक है, अब कंडीशन दी हुई है आपको, ये वन डे वर्क है मेन का, ठीक है, वन डे वर्क या ठीक है वर्क डन बाय मेन इन वन डे इतना कर लेगा। अब हमने क्या करना है, 2 वुमेन एंड 5 मेन, वुमेन कितनी है 2, तो ये 2 वुमेन का काम हो गया एक दिन का, और मेन कितने हैं 5, तो ये 5 मेन का काम हो गया। ठीक है, अब एक्चुअल में इनको टाइम कितना लग रहा है, इनको 4 डेज लग रहे हैं, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी टोटल लेते हैं तो हमेशा हम उसको क्या करते हैं, हमेशा हम उसको 1 के इक्वल पुट करते हैं, समझ आ गया। ये एक वुमेन एक दिन में इतना कर रही है, मतलब 1/x, तो 2 वुमेन कितना करेंगे, 2/x, और ऐसे ही 1 मेन का 1/y है, तो 5 मेन का कितना होगा, 5/y, तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 हो गया ये, सॉरी नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट कर लो, अभी मैं दूसरी इक्वेशन भी बनवा रही हूँ, लेट 1/x को ए ले लो एंड 1/y को क्या ले लेंगे, बी, तो इक्वेशन बनेगी 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4, समझ आ गया। अगर हम मैं यहाँ पे ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाऊं तो 3 वुमेन काम कर रही है, यानी कि 3/x हो गया 3 वुमेन का काम रोज का, और ये 6 मैन का हो गया 6/y। ठीक है, अब ये इनको कितने दिन लग रहे हैं, पहले 4 दिन लग रहे थे, अब 3 दिन लग रहे हैं, टोटल वर्क मुझे पता है हमेशा 1 होता है, तो अब मैं यहाँ पे 1/3 कर रही हूँ, जब 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू, ये 3 मैंने वहां डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो गया। अब लेट करे 1/x को, तो इक्वेशन बनेगी 3a + 6b इज इक्वल टू 1/3, 3 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनेगी 9a + 18b इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है और दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी इधर, तो 8a + 20b इज इक्वल टू 1। ये 4 आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, करा कुछ भी नहीं हमने, सिंपल क्या करा है, सिंपल हमने इनको इंटरप्रिटेट करा है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, ये 9 हो गया, ये 18b 1 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 20b हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, इतना तो बड़े आराम से हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट तो आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, इसको ऐसे करो 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करते ही ये बनेगा 72a + 8 = 64, 6 ऊपर 8 और 6 = 14, 144 = 8, और इधर आ जाएगा 72a
प्लस 180 बी इज इक्वल टू 9. अब 72 से 72 गया डायरेक्ट, ठीक है. 180 में से 140 गए, 40 और 4 और चले गए. अब हमने क्या करना है, यहां पे लिखते हैं ऊपर, ठीक है. ये आ जाएगा मेरा, जब 180 में से 144 गया तो यहां पे मुझे बनेगा 136, नहीं सिर्फ 36 सॉरी, माइनस का 36 बी इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया मेरा माइनस का 1, तो बी मेरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है मेरा 36. किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सिर्फ इसमें पुट कर देते हैं, तो 9a प्लस, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 36 ये बनेगा हमारा, ये सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले में पुट कर लेते हैं. बी की वैल्यू बनेगी 1/36, 1/, यहां से अपॉन में आएगा. अब जैसे ही मैं यहां पे पुट कर रही हूं तो 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1, ये मेरा गया 2 और 9a इज इक्वल टू, ये हाफ था ना यहां पे, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. अब हाफ उधर जाके क्या होगा, दोबारा से हाफ 9a, एक में से आधा गया आधा, तो यहां पे क्या आ गया आपका 18a इज इक्वल टू 1, तो a आ गया मेरा 1/18, ठीक है. ए मेरा क्या आ गया 1/18. अब मैंने यहाँ पे क्या लेट किया था, 1/x क्या था मेरा ए, तो यानी कि 1/x है 1/18, तो इसको कितने लग रहे हैं, विमेन को कितने लग रहे हैं, विमेन अलोन कैन डू इट इन 18 डेज, जो विमेन अकेली है वो उसको कितनी देर में करेगी, 18 डेज में, और मेन के लिए कितने डेज लगेंगे. अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर लो, 1/y इज 1/36, तो मेन के लिए जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 36 डेज, यानी कि जो वुमेन है वो 18 डेज में कर रही है और जो मैन है वो कितने डेज में कर रहा है, 36 डेज में. ये हमने 3.6 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करे हैं. धीरे धीरे हम सारे एनसीईआरटीज ऐसे ही करने वाले हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.